हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट विद सूरज। और चलिए वेंसडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस करते हैं। लेकिन उससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया था उस बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में ड्राइंग रिमूव कर लेते हैं यहाँ से, निफ्टी देखते पहले। तो हमने लेवल्स क्या दिए थे? हमने 17,384 के ऊपर बाइंग की सलाह दी थी। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि गैप अप ओपन हुआ, तो थोड़ा हमें क्या करना था, प्राइस एक्शन के लिए वेट करना चाहिए था। यहाँ से अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता और फिर ब्रेकआउट करता तो आप रेडियस पे मूव ले सकते थे। लेकिन इसने क्या किया, गैप अप ओपन किया, वहां से सीधा नीचे मार्केट आया और इसी जोन के जोन पे क्या गया, रिटेस्ट किया और थोड़ा सा नीचे आया यहाँ पे, ठीक है? और पूरा दिन मार्केट क्या हुआ, साइडवेज। आप देख सकते हैं साइडवेज रहा है पूरा दिन। ये देखिए पूरा दिन ये मार्केट कैसा रहा है, ये देख सकते हैं आप साइडवेज। एक भी मूव ऊपर या नीचे के लिए नहीं मिली है। तो बहुत लोगों का इसमें स्टॉप लॉसेस हिट हुए होंगे, एंट्री गलत हुई होगी। तो चलिए वेंसडे के लिए अभी एनालिसिस करते हैं और लेवल्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है? ये देख सकते हैं यहाँ पे 17,428 के ऊपर इसको सस्टेन करना होगा कॉल में जाने के लिए, बुलिश होने के लिए। और इसको अगर नीचे जाना है तो इसको आप ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, ये देखिए 17,379 के नीचे आप सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट क्या रहेगा, ये रहेगा आज का जो लो बनाया है मार्केट ने, ये पहला टारगेट रहेगा 17,313। और ऊपर के लिए क्या टारगेट्स रहेंगे, ऊपर के लिए ये देखिए यहाँ पे पेंडिंग गैप है, मार्केट यहाँ तक जा सकता है 17,500 के ऊपर मार्केट गया तो ये पेंडिंग गैप फिल कर सकता है यहाँ पे, ठीक है? अभी हम थोड़ा थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं, यहाँ पे मार्केट का बिहेवियर और व्यू जान लेते हैं, मार्केट क्या करना चाहता है उस बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है? ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कर रहा है, ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है यहाँ पे। इसने क्या किया है, गैप अप ओपन किया और यहाँ पे टेस्ट किया है इस ट्रेंड लाइन को। अभी क्या हो सकता है यहाँ पे, एक तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो एक बुलिश मूव दे सकता है। लेकिन इसको ऊपर अपना ट्रेंड चेंज करने के लिए इसको ये जो 17,790 का ये जो लेवल है इसको क्रॉस करना होगा। तो ये क्या कर देगा, अपना ट्रेंड चेंज कर देगा, ठीक है? और नीचे के लिए इसने क्या बनाया है, ये देख सकते हैं डब्ल्यू पैटर्न भी बनाया है यहाँ पे और इसका ब्रेकआउट भी हुआ है। तो अभी देखते हैं एक मतलब इतना मार्केट ऊपर जाता है क्या, 17,790 तक मार्केट जाता है क्या? अगर ये ऊपर तक जाता है वहाँ पे सस्टेन करता है 18,000 के आसपास, तो ये बुलिश हो सकता है और बड़े बड़े टारगेट्स दे सकता है ऊपर के लिए। और जिन लोग का पोर्टफोलियो रेड है वो ग्रीन हो सकता है, ठीक है? अब चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं, यहाँ पे भी वैसे ही है सिनारियो। ये देखिए इस लेवल के आसपास ये मार्केट क्या कर रहा है, बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। ये देखिए यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। अभी इसने इसका ब्रेकआउट नहीं दिया, अगर ब्रेकआउट देता है तो रिटेस्ट करके ऊपर के लिए अच्छा मूव मिल सकता है। लेकिन उसको ये स्विंग तोड़ना होगा ऊपर जाने के लिए, ठीक है? ये लेवल में बताता हूँ आपको, इसको अगर ट्रेंड चेंज करना है तो इसको क्या करना होगा, 41,500 के ऊपर सस्टेन करना होगा। तो ये क्या कर देगा, अपना जो डाउन ट्रेंड है उसको चेंज कर देगा और अप ट्रेंड में मार्केट चला जाएगा, ठीक है? फिलहाल तो क्या है, ये जो पेंडिंग गैप है मार्केट क्या कर सकता है, इसको फिल कर सकता है अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो, ठीक है? अभी इंट्राडे के लिए देखते हैं हम 5 मिनट में कि मार्केट ने क्या क्या किया है उस बारे में बात करते हैं, और प्रीवियस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया था उस बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है?
हमने क्या कहा था यहाँ पे, ये क्या है, एक मार्केट एक ट्रेंड में, मतलब एक साइडवेज मार्केट हो गया है ऊपर के लिए, ठीक है। तो इसका जब अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देगा, या फिर इसका क्या, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आप, अगर यहाँ पे नीचे इसका ब्रेकडाउन देगा तो हम एंट्री कर सकते थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन इसने क्या किया है, फ्लैट नहीं ओपन हुआ, इसने गैप अप ओपन किया और ऊपर से मार्केट सीधा नीचे इस लेवल तक आ गया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया और मार्केट क्या हो गया, साइडवेज दिन भर चलता रहा, ठीक है। फिर इसने क्या किया, यहाँ पे इस लेवल के ऊपर यहाँ पे साइडवेज हो गया, 40,719 के आसपास साइडवेज हो गया, और ऊपर तक एक 40,813 तक हमें क्या दिया है, इसने क्लोज दिया है। ट्रेडिंग के लिए ऐसे इतना कुछ खास नहीं था, ठीक है। तो बहुत लोगों का मतलब जिन्होंने इस रेंज में बने रहे थे, आप देख सकते हैं यहाँ पे वापस ये रेंज में मार्केट था, ऐसे आप ऐसे देख सकते हैं, इसी जोन में मार्केट क्या बना हुआ है, इसने कोई बड़ा मूव नहीं दिया है। अभी वेंसडे के लिए क्या हो सकता है, ये जो 40,857 का ये जो लेवल है, मार्केट को इसको ब्रेक करना होगा, या फिर नीचे के लिए ये जो लेवल दिख रहा है आपको 40,756 का, ये देखिए 40,756 का, या फिर 40,857 का, इसका ब्रेकआउट करना होगा या फिर इसका ब्रेकडाउन करना होगा। तो लेवल्स क्या रहेंगे हमारे लिए, 40,500 का ये लेवल है, और ऊपर के लिए क्या है, 40,000 के ऊपर जा सकता है मार्केट, ठीक है। यहाँ पे अच्छे टारगेट्स ऊपर के लिए मिल सकते हैं, लेकिन क्या करना होगा, जो डेली टाइम फ्रेम पे जो ट्रेंड लाइन बन रही है उसको ब्रेक करना होगा, और पेंडिंग गैप जो अपना है उसको फिल करना होगा, ठीक है। ये देख सकते हैं, यहाँ पे पेंडिंग गैप ये फिल करना होगा, तो ये क्या कर सकते हैं, आप ट्रेंड में जा सकते हैं। और ऑप्शन स्ट्रेटेजी जो भी हमने अपलोड किए वो जाके आप देख सकते हैं, और जो भी सीखना चाहते हो क्या कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर मैंने यहाँ पे देता हूँ मैं नंबर आपको, इस पे आप क्या कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, तो मैं आपको अपने बैच में ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।